आज हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है आपका क्या, ड्यूरेबिलिटी ऑफ कंक्रीट। उसमें आप पढ़ेंगे कि ड्यूरेबिलिटी ऑफ कंक्रीट क्या होता है, आपके कंक्रीट के ड्यूरेबल होने के कौन कौन से कंडीशंस होते हैं और कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो ड्यूरेबिलिटी ऑफ कंक्रीट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जो उन्हें अफेक्ट करते हैं, या आप बोल सकते हैं व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग ड्यूरेबिलिटी ऑफ कंक्रीट। तो इनके बारे में आप डिटेल में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ड्यूरेबिलिटी भाई बोलते किसे हैं। तो ये बोलता है द एबिलिटी ऑफ कंक्रीट टू withstand the conditions for which it is designed without deterioration for a long period of years is known as durability। ये बोलता है कि concrete की वो ability कि भाई वो जो भी condition हो वो उसमें क्या हो successfully work कर सके, जिस purpose के लिए उस construction site पे हम वो structure को cast करते हैं। तो जो structure हम cast कर रहे हैं वो किसका use करके कर रहे हैं, concrete का use करके कर रहे हैं। तो ये बोल रहा है कि आपका जो स्ट्रक्चर है या बोल सकते हो आपका जो कंक्रीट है उसके ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए, कंस्ट्रक्शन साइट का जो डिमांड है उसके हिसाब से आपको क्या करना है, उसे कास्ट करना है। और इसमें इसका जो वर्केबल पीरियड होगा वो बहुत लंबे समय के लिए आप क्या करोगे, उस कास्टिंग को करोगे, और उसमें डिटोरेशन मतलब डैमेजेस भी आपके कम से कम होने चाहिए या फिर नहीं होने चाहिए। तो ये बोलता है कि जिस पर्पस के लिए आप कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे हैं वो जो पर्पस है वो फुलफिल होना चाहिए विदाउट एनी नेगेटिव इफेक्ट। मतलब उस कंस्ट्रक्शन साइट का जो डिमांड है उसको ये जो आप स्ट्रक्चर बना रहे हो वो फुलफिल करना चाहिए। तो जब आपका कंक्रीट से आप जब ऐसा स्ट्रक्चर कास्ट करते हो जो उस कंस्ट्रक्शन साइट की सारी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करता है फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम विदाउट एनी डिटोरेशन, तो उसे हम क्या कहते हैं, ड्यूरेबिलिटी कहते हैं। तो ये बोलता है आपका जो कंक्रीट है ये वो ड्यूरेबल तभी रहेगा जब आपका पहला पॉइंट बोलता है द सीमेंट पेस्ट स्ट्रक्चर इज़ डेंस एंड ऑफ लो परमेबिलिटी। सीमेंट पेस्ट स्ट्रक्चर इज़ डेंस का मतलब होता है कि भाई आप जो कंक्रीट का मसाला तैयार कर रहे हो उसमें जो सीमेंट का और पानी का जो मात्रा होता है दैट इज़ वाटर सीमेंट रेशियो, वो उसको क्या होना चाहिए, एक कंसिस्टेंसी उसमें प्रेजेंट होनी चाहिए जो बाकी इंग्रेडिएंट्स को आपस में जोड़े रखे। और ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका जो सीमेंट वाटर है वो बहुत थिन हो, आपका जो सीमेंट वाटर की कंसिस्टेंसी होनी चाहिए वो थिक होनी चाहिए या बोल सकते हो आपको गाढ़ा होना चाहिए ताकि वो जो स्ट्रक्चर है वो आपका जो बाकी इंग्रेडिएंट्स है उनको डेंसली आपस में पैक करके रख सके। और साथ ही साथ ये बोलता है कि आपका जो कंक्रीट में जो सीमेंट पेस्ट प्रेजेंट है वो जब डेंस होगा तो उसमें परमेबिलिटी की भी वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। मतलब आपका जो स्ट्रक्चर है वो लो परमेबिलिटी का होना चाहिए तभी आपका जो स्ट्रक्चर है वो ज़्यादा ड्यूरेबल रहेगा। नेक्स्ट बोलता है अंडर एक्सट्रीम कंडीशन इट हैज़ एंट्रेंड एयर टू रेजिस्ट फ्रीज थॉ साइकिल। इसका मतलब होता है कि एक्सट्रीम कंडीशन का मतलब होता है स्पेशल कंडीशन। स्पेशल कंडीशन में ये होता है कि मान के चलिए कोई ऐसी जगह है जहाँ पे बहुत तेज़ धूप भी निकल जाता है और अचानक से आपका बर्फ़ गिरना भी स्टार्ट होता है। फ्रीजिंग एंड थॉइंग साइकिल का मतलब होता है कि एक बार बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही है और एक बार बहुत ज़्यादा गर्म मौसम है। तो ये जो बोलता है कि जब इस तरीके का कोई लोकेशन है और वहाँ पे आप कास्टिंग कर रहे हो तो आप प्रेफर करोगे कि एयर एंट्रेंड आप क्या करो, कंक्रीट का इस्तेमाल करो, तो उस कंडीशन के लिए आपका जो कंक्रीट से स्ट्रक्चर बनेगा वो ड्यूरेबल स्ट्रक्चर बनेगा। थर्ड पॉइंट बोलता है इट इज़ मेड विद ग्रेडेड एग्रीगेट दैट आर स्ट्रॉन्ग एंड इनर्ट। इसका मतलब ये होता है, ग्रेडेड एग्रीगेट्स का मतलब ये होता है कि आप जो कोर्स एग्रीगेट और फाइन एग्रीगेट के साइजेस चूज़ कर रहे हो वो आपके वेल ग्रेडेड है। वेल ग्रेडेड का मतलब ये है कि मान के चलिए आपने 20 mm साइज़ का कोई एग्रीगेट को चूज़ किया है, देन 20 mm के बाद आप जो नेक्स्ट साइज़ चूज़ करोगे एग्रीगेट का वो रहेगा मान के चलिए आपका 10 mm।
नेक्स्ट आप जो चूज़ कर रहे हो वो है आपका क्या 5 mm। तो ये क्या है, एक प्रॉपर ग्रेडिंग है कि भाई पहला ग्रेड जो आपने चूज़ किया था वो बिग साइज़ के थे, देन आप मीडियम साइज़ के यूज़ किए, देन स्मॉल साइज़ के। तो इससे क्या होता है, जब दो बड़े साइज़ के एग्रीगेट्स रहते हैं तो उनके बीच में क्या होता है, जब आप उनको ही केवल लोगे तो ये जो है ये वॉइड्स रह जाते हैं, खाली जगह। तो इन खाली जगहों पे यदि आप सीमेंट पेस्ट को भरोगे तो आपको ज़्यादा सीमेंट पेस्ट लगेगा। अब मान के चलो इन खाली जगहों पे आप क्या कर रहे हो, छोटे साइज़ के एग्रीगेट्स को यूज़ कर रहे हो, तो ये जो वॉइड्स थे वो अगेन आपके किससे फिल हो गए, एग्रीगेट्स से। अब इन एग्रीगेट्स के बीच में जो स्मॉल स्मॉल स्पेस होगा उसमें जाके आपका सीमेंट पेस्ट क्या होगा, ऑक्यूपाई होगा। तो ये बोलता है कि जब आप वेल ग्रेडिंग ऑफ एग्रीगेट को चूज़ करोगे तो आपका जो स्ट्रक्चर है वो ज़्यादा मजबूत रहेगा और ज़्यादा दिनों तक आप क्या कर सकते हो, उसे इस्तेमाल कर सकते हो। लास्ट पॉइंट बोलता है द इंग्रेडिएंट्स इन द मिक्स कंटेन मिनिमम इम्प्योरिटीज सच एज एल्कलीज क्लोराइड्स सल्फेट्स एंड सल्ट्स। ये बोलता है कि जो इंग्रेडिएंट्स आप कंक्रीट बनाने के लिए चूज़ कर रहे हो, जैसे कि आपका कोर्स एग्रीगेट हो गया, फाइन एग्रीगेट हो गया, तो उसमें कम से कम आपके इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट होने चाहिए, ताकि आप जो कंक्रीट बनाओ उस कंक्रीट में इन इम्प्योरिटीज़ का रिएक्शन नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा हो रहा है तो ये आपके स्ट्रक्चर को वीक बना देगा। इसीलिए हम क्या करते हैं, गुड क्वालिटी के इंग्रेडिएंट्स को यूज़ करते हैं कंक्रीट बनाने के लिए। तो ये जो है इन फैक्टर्स के ऊपर आपका ड्यूरेबिलिटी ऑफ कॉन्क्रीट क्या होता है, डिपेंड होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो ड्यूरेबिलिटी को क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं। तो मेनली आपके 5 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं जो आपके ड्यूरेबिलिटी ऑफ कॉन्क्रीट को इफेक्ट करते हैं। फर्स्ट है आपका सीमेंट कंटेंट, कि भाई सीमेंट की कितनी मात्रा प्रेजेंट है। नेक्स्ट है क्योरिंग, जो हम हिंदी में बोलते हैं तराई करना। नेक्स्ट है आपका कॉम्पैक्शन, मतलब वाइब्रेटर्स का यूज़ करके आप प्रॉपर जो है कंक्रीट का क्या कर रहे हो, कॉम्पैक्शन कर रहे हो, ताकि वो अच्छे से आपके लेयर वाइज बैठ जाए सारे इंग्रेडिएंट्स। नेक्स्ट है आपका कवर, कवर का क्या मतलब होता है ये अभी आप डिटेल में पढ़ोगे। लास्ट है आपका परमेबिलिटी। तो ये सारे जो फैक्टर्स हैं ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं आपके ड्यूरेबिलिटी की वैल्यू को बढ़ाने या कम करने के लिए। अब हम डिटेल में देखेंगे पॉइंट वाइज। सबसे पहले बोलता है सीमेंट कंटेंट, इसमें बोल रहे हैं मिक्स मस्ट बी डिज़ाइंड टू एंश्योर कोहेजन एंड प्रिवेंट सेग्रीगेशन एंड ब्लीडिंग। इफ़ सीमेंट इज़ रिड्यूस्ड देन एट फिक्स्ड वाटर सीमेंट रेशियो द वर्केबिलिटी विल बी रिड्यूस्ड लीडिंग टू इनएडुकेट कॉम्पैक्शन। हाउएवर इफ़ वाटर इज़ एडेड टू इम्प्रूव वर्केबिलिटी कॉमा वाटर सीमेंट रेशियो इंक्रीजेस एंड रिजल्टिंग इन हाईली परमिएबल मटेरियल। ये बोलता है कि आपका जो मिक्स है, जो आप कंक्रीट का मिक्सचर प्रिपेयर कर रहे हो, बना रहे हो, तो उस मिक्सचर में आपका जो सीमेंट है वो इतनी मात्रा में प्रेजेंट होना चाहिए कि वो एक कोहेसिव मटेरियल के जैसे बिहेव करे। अब कोहेजन का मतलब होता है आपका कि सारे इंग्रेडिएंट्स को आपस में जोड़े रखे, और सेग्रीगेशन और ब्लीडिंग होने से क्या करें, प्रिवेंट करें। अब सेग्रीगेशन एंड ब्लीडिंग क्या होता है ये मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में एक्सप्लेन किया है। तो हमको क्या करना है, हमारे मिक्सचर में सेग्रीगेशन और ब्लीडिंग होने से रोकना है। ये बोलता है कि हम सीमेंट की मात्रा अगर बढ़ा रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम पानी की भी मात्रा बढ़ाते चले जाएँगे। अगर मान के चलिए आप पानी की मात्रा बढ़ाते चले जाते हैं ताकि आपका कॉन्क्रीट को मिक्स करने में आपको आसानी हो, तो अगर जितना वाटर सीमेंट रिक्वायरमेंट होता है उससे अधिक मात्रा में यदि आप पानी को बढ़ा दोगे तो वाटर सीमेंट रेशियो की वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, और रिजल्ट आपको क्या मिलेगा कि आपका जो कंक्रीट है वो बहुत ज़्यादा क्या हो गया है, परमिएबल हो गया है। परमिएबल मतलब उसके ऊपर जैसे आप पानी को डाल रहे हो तो वो लेयर बाई लेयर क्या कर रहा है, एक दूसरे को क्रॉस कर ले रहा है। तो उसे आप क्या कहोगे, आपको जो रिज़ल्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा कि आपको एक परमिएबल मटेरियल मिल रहा है, जो कि आपके स्ट्रक्चर के लिए अच्छी बात नहीं है। तो सीमेंट का जो मात्रा है अगर आप उतना ही ऐड कर रहे हो जितना रिक्वायर्ड है तो आपका जो ड्यूरेबिलिटी का वैल्यू है वो बढ़ेगा। अगर आप उसमें कम कर रहे हो तो ड्यूरेबिलिटी की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। नेक्स्ट है आपका कॉम्पैक्शन।
ये बोलता है कि द कॉन्क्रीट एज अ होल कंटेन वॉइड्स कैन बी कॉज्ड बाई इनएडिक्वेट कॉम्पैक्शन। यदि आप मान के चलो, मैं आपको बोल रही हूँ ये एक मोल्ड है, सांचा है, इसमें मेरे को कॉन्क्रीट को भरना है, तो आपने क्या किया, ऊपर से कॉन्क्रीट को डाल के यहाँ इस लेयर तक आपने कॉन्क्रीट को क्या कर दिया, फिल कर दिया। लेकिन अब आप देखना, जब तक आप इसमें क्या करोगे, टैम्प नहीं करोगे रॉड से, तो ये कंक्रीट अच्छे से लेयर बाय लेयर बैठेगा नहीं। तो ये बोलता है कि जब भी हम क्या करते हैं, कंक्रीट की फिलिंग करते हैं, तो कैसे करते हैं, पहले हम ये पोर्शन को फिलअप करेंगे, इसको इसके ऊपर टैम्पिंग रॉड चलाएंगे ताकि जो कंक्रीट है अच्छे से नीचे सेट हो जाए, देन हम दूसरी लेयर लगाते हैं, फिर इसको टैम्प करते हैं, देन हम थर्ड लेयर लगाते हैं और अच्छे से टैम्पिंग करते हैं। तो ऐसे करोगे तो आपका क्या है, पूरा मिक्स इस मोल्ड में अच्छे से क्या करेगा, फिल हो जाता है। तो ये इसे इस प्रोसेस को ही हम क्या बोलते हैं, कॉम्पैक्शन बोलते हैं। तो ये बोलता है कि यदि कंस्ट्रक्शन साइट पे आप कंक्रीट का इस्तेमाल कर रहे हैं कंस्ट्रक्शन के लिए और आप उसे प्रॉपर वे में कॉम्पैक्शन नहीं करेंगे, तो बहुत सारे आपके कंक्रीट में क्या रह जाएंगे, वॉइड्स रह जाएंगे, मतलब स्मॉल स्मॉल होल्स रह जाएंगे, और जब इनके ऊपर लोड आप दोगे तो ये क्या हो जाएगा, ईजिली आपके स्ट्रक्चर को क्रैक कर देंगे। तो इसको अवॉइड करने के लिए हम क्या करते हैं, प्रॉपर कॉम्पैक्शन करते हैं। तो ये बोल रहा है कि यदि आप अपने जो कंक्रीट की लेयर आप डाल रहे हो उसको अच्छे से कॉम्पैक्ट करोगे, तो आपको क्या होगा, आपकी ड्यूरेबिलिटी की वैल्यू बढ़ जाएगी क्योंकि नंबर ऑफ वॉइड्स कम है। और अगर मान के चलो आपने अच्छे से कॉम्पैक्शन नहीं किया है, तो क्या होगा, आपके नंबर ऑफ वॉइड्स इंक्रीज हो जाएंगे और आपके ड्यूरेबिलिटी की वैल्यू कम हो जाएगी। तो इस तरीके से आपका जो कॉम्पैक्शन है वो आपके ड्यूरेबिलिटी की वैल्यू को क्या करता है, इफेक्ट करता है। नेक्स्ट है आपका क्योरिंग। इसमें बोलता है इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू परमिट प्रॉपर स्ट्रेंथ डेवलपमेंट एड मॉइस्चर रिटेंशन एंड टू एंश्योर हाइड्रेशन प्रोसेस ऑकर कंप्लीटली। क्यूरिंग का मतलब होता है तराई करना। तो हम अपने स्ट्रक्चर को मान के चलो, मैंने ये स्लैब बनाया है और इस स्लैब का मैं डेली क्या कर रही हूँ, 24 घंटे के बाद क्या करते हैं, हम तराई करना चालू कर देते हैं। तो अब देखना कि जब हम वाटर को अप्लाई करते हैं, हम इसलिए अप्लाई करते हैं ताकि जो हमारा स्ट्रक्चर है उसको जितना स्ट्रेंथ गेन करना है वो इस क्योरिंग पीरियड में स्ट्रेंथ को गेन कर ले। अब एक टाइम ऐसा आएगा कि फर्दर जब आप वाटर को ऐड करोगे, ये जो स्ट्रक्चर है पानी को सोखेगा नहीं, एब्जॉर्ब नहीं करेगा, तो इससे आपको पता चलेगा कि इस स्ट्रक्चर में अब सफिशियंट अमाउंट में स्ट्रेंथ आ गई है, जिसपे अब फर्दर आप पानी ऐड भी कर रहे हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। लेकिन स्टार्टिंग के दिनों में देखना, ये आप जितना पानी अप्लाई करोगे ये सोखता चला जाएगा। तो ये बोलता है कि आप जो भी स्ट्रक्चर को कंस्ट्रक्शन साइट पर कास्ट कर रहे हो, तो आपका उसको प्रॉपर क्योरिंग करना है ताकि वो मैक्सिमम स्ट्रेंथ गेन कर सके। अगर आप इम्प्रॉपर क्योरिंग करोगे तो उसकी स्ट्रेंथ की वैल्यू कम रहेगी और उसकी लोड लेने की जो क्षमता है वो भी कम रहेगी। तो इस तरीके से ये भी आपके ड्यूरेबिलिटी की वैल्यू को अफेक्ट करेगा। नेक्स्ट है आपका कवर। कवर का मतलब ये होता है कि मान के चलो ये छत है और इस छत की मेरे को ढलाई करनी है, तो हम क्या करते हैं, पहले छड़ लगाते हैं, रेनफोर्समेंट के बार्स लगाते हैं और इनको क्या करते हैं, नीचे से लकड़ी का सपोर्ट देते हैं, और यहाँ पे क्या लगाते हैं आप, लकड़ी के प्लाईवुड्स लगाते हैं, इनके ऊपर आप छड़ बिछाते हो, फिर इनके ऊपर आप क्या करते हो, कॉन्क्रीटिंग करते हो। तो ये बोलता है कि जो प्लाईवुड है और छड़ है उसके बीच में कुछ डेप्थ को हम छड़ को प्लाईवुड से कुछ ऊपर उठा के रखते हैं ताकि छड़ के बिलो भी आपका क्या हो सके, कॉन्क्रीट अच्छी तरीके से ऑक्यूपाई कर सके। तो ये जो स्पेस या गैप छड़ और प्लाईवुड के बीच में आप प्रोवाइड करते हो उसे ही हम क्या कहते हैं, कवर कहते हैं। तो ये बोलता है ये जो कवर का थिकनेस होना चाहिए वो भी आपका जितना रिक्वायरमेंट है साइड पे उतना देना चाहिए, नहीं तो आपका जो स्ट्रेंथ या लोड लेने की जो क्षमता है वो कम हो जाएगी। नेक्स्ट है आपका परमेबिलिटी। परमेबिलिटी में ये बोलता है कि सबसे जो इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है जो ड्यूरेबिलिटी को इफ़ेक्ट करता है वो रहता है आपका परमेबिलिटी। अगर आपका स्ट्रक्चर परमिएबल बना है तो वो बहुत ज़्यादा पानी को एब्जॉर्ब करेगा, कंटिन्यूसली मॉइस्चर होने के कारण स्ट्रक्चर में वो वीक होता जाएगा और उसकी लोड लेने की क्षमता भी कम हो जाएगी। तो ये बोलता है कि जब भी आप स्ट्रक्चर बनाओ तो आप एक इम्परमिएबल स्ट्रक्चर बनाओ जो कि कम से कम पानी को क्या करे, एब्जॉर्ब करे। तो आपको क्या
क्या मिलेगा कि आपका जो स्ट्रक्चर है वो बहुत स्ट्रॉन्ग और ड्यूरेबल स्ट्रक्चर मिलेगा। तो ये इस तरीके से आपका परमेबिलिटी भी ड्यूरेबिलिटी की वैल्यू को क्या करता है, इफ़ेक्ट करता है। तो आई होप आपको ड्यूरेबिलिटी क्या होता है और उसके फैक्टर्स क्या क्या उन्हें अफेक्ट करते हैं ये यहाँ से क्लियर हो जाएगा। थैंक यू।